दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कल जुगदा हाल देख लो, चल दी बुरी चाल देख लो, ओ लोकां दे पिछे लग के अतनी मचाई दी, सजना नल लाके यारी पिठनी दिखाई दी, सजना नल लाके यारी ओ गोदी विच पाके जद लोरियां सनो दिसी, सच्ची माए उस वेले नींद बड़ी आउंदी सी, कर कर याद ओ लोरियां ते नींद, कर कर याद ओ लोरियां ते नींद, मेरी अखां विच शम शम नीर डुलदा, ओ जेड़ा प्यार दिता सी तुसी ने नाल लाके सौ रब दियो माए नहीं ओ भुलदा। बीबी वर्ल्ड मीडिया सच दा पहरेदार। उगण वाले उग पैंदे पत्थरां दा सीना चीर के। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो बीबी वर्ल्ड मीडिया ते मैं प्रदीप बैंस तुहाडे नाल हाजिर हाँ। जे गल कीती है मेहनत दी, जो शेर च लाइनां बोलियां ने, जी हाँ मेहनत नाल सब कुछ मुमकिन हो सकता है। सो अज गल करदे हां बीत इलाके दी, गढ़शंकर एरिए दी। ते गढ़शंकर एरिए दे विच इक बहुत प्यारा सुर है जो अज बेशक मेहनत दीआं पौड़ियां ते है, पर बहुत जल्द वह बहुत उच्ची और शिखर दियां शोआं नूं प्राप्त करेगा। मैं अज तुहानूं मिलवावांगा उस मेहनत दे नाल जी, उस मेहनत दा नाम है बली बैंस। बली बैंस जी, सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पीवी वर्ल्ड मीडिया दे उत्ते। सत श्री अकाल जी। सो बहुत बहुत धन्नवाद जी पीवी वर्ल्ड मीडिया प्रदीप बैंस जी, जो कि अज अपना कीमती टाइम कढ के साडी आवाज़ सारे दर्शकों तक पहुँचा रहे ने। सो उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी तुहाडे चैनल वालियां दा। बली जी, जे आपां गल करिए संगीत खेत्र दे विच दो तरह की पढ़ाई, जिहड़ी मेहनत जिहड़ी है संगीत मंगदा है, गॉड गिफ्ट होना एक अलग गल है। सुर संगीत दे विच एक पढ़ाई जिहड़ी है थ्योरीकली हुंदी है, एक आपां किसी तो बाहरों सीखना, एक असी जिहड़ा किताबी जिहड़ा सिस्टम हुंदा पढ़न दा, किताबां दे विच पढ़ के संगीत नूं सीखना, उचेरी सिख्या जिहदी प्राप्त करनी है, ते दोनों खेत्रां दे विच तुहाडी जिहड़ा उह कित्थे तक अचीवमेंट रही है? थ्योरी की गल की तुसीं, थ्योरी सुर सागर कला निकेतन नंगल मेरे गुरु जी परमहंस अहूजा जी उन्हां कोलों लई है थ्योरी की तलीम, ते जो प्रैक्टिकल और सूफिया कलाम जो सीखे सी वो मेरे उस्ताद जी रवि कुमार जी चूड़पुर तो, उन्हां दा बड़ा आशीर्वाद है। उस करके हुण मेहनत कर रहे हैं जी, ते बी ए भी क्लीयर हो गई है। सो बाकी मेहनत चल रही है जी, परमात्मा बरकत पाऊगा। अच्छा, गायकी दे विच एक शैली हुंदी है जी, बली बैंस केड़ी शैली नूं टच करदे? मेरा ज़्यादा लोक तत्थ और सूफिया कलाम ज़्यादा इन्हां नूं पहल दे रहे हैं। अजकल गायकी कमर्शियल हो गई आ, कितें ना कितें एक ट्रैक दे नाल भी गल बन जाती है जे लोगों तक पहुँच जाए, जां सोशल मीडिया ते भी कई बार बंदा वायरल हो जाता है। बली बैंस का की सुपना है कि वह अपने दर्शकों तक अपने फैंस तक किदां पहुँचना चाहुंदा है? देखो जी, चंगी कहिंदे ना कि सुनियार की दुकान पर रच घट ही हुंदा है जी, इस करके हीरे की जिहड़ी परख जुआरी ही कर सकदा है, ते बाकी कोशिश करते हैं कि चंगी गायकी नाल लोगों के दिल में जगह करिए तो बेहतर है, क्योंकि चंगी गायकी और चंगा इंसान मरण तो बाद भी जिंदा रहिंदा है, ते कोशिश यही है साडी कि जिंदे रहिए मरण तो बाद भी, लोगों के दिलों वसदे रहिए, सारे प्यार करन, ते किसी के लफ्ज़ विच ना आवे कि नहीं यार उन्हूं नहीं सुनना वो गायक नहीं है, क्योंकि जो लफ्ज़ है सारियां मतलब मावां भैणां वीर बजुर्ग सारे ही प्यार देण, इहो जी गायकी मैं करनी चाहुंदा। जे कलू तुहानू ब्रेक मिलदी है, वैसे इलाके तुहानू ब्रेक मिल चुकी है, बहुत सारे लोकल स्टेजां तुसीं जांदे हो, जगराते करदे हो, सूफी कलाम जिहड़े तुसीं प्रोग्राम करदे हो, ते इस नूं शौक दे नाल नाल की मानदे हो कि कलू अगर बली बैंस नूं मौका मिलदा कि एक गीत को उहो जिहा गा के हथियारा वाला या नशे वाला गा के तुहानू अगर ब्रेकिंग मिलती है तो बली बैंस किस चीज़ को चॉइस करेगा? देखो जी, आपां चंगी गायकी नूं सिलेक्ट करांगे, उन्हों ही करांगे, क्योंकि एक्सैप्ट उही करांगे
क्योंकि माड़ी चीज़ ने मैं पहले गल की है कि जो माड़ा बंदा होंदा है उन्हूं मतलब बाद मरण तो बाद भी सारे ही कहें कि चलो चंगा होया चले गया। इस करके चंगी गायकी हूँ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब होए है, मान साहब गुरदास मान साहब उन्हों की लाजवाब गायकी साफ गायकी है, और कुलदीप मानक साहब होए है, जमुना जट जी होए है, किन्ने अच्छे अच्छे उन्होंने लोगों गीत दिते है, वो लफ्ज़ भी सके और उन्हां गल्लां समझण वाला भी कोई कोई है। सो सुरीले सुर नूं अच्छे सुर नूं सपोर्ट करना हर एक का फर्ज भी बनता है तो करना भी चाहिए। बल्ली हुण तक जिन्ना भी सफ़र किया ज़्यादा सपोर्ट किहदी रही है? ज़्यादा सपोर्ट मेरे गुरु मुरशद जी तो जिन्हां कोल मैं तलीम लई है उन्हां दी सपोर्ट रही है, तो फैमिली विच जदों मैं मतलब सिखदा हुंदा सीगा उस वेले मेरे बड़े ब्रदर बलजिंदर बैंस जी वो गुरुद्वारा साहब विखे पाठ करन जांदे हुंदे सी, 3 बजे उन्होंने पाठ करन चल जाना तो मैनू उठा देना कि रियाज कर, तो 1-2 बार मैं उठा भी नहीं तो आके मैनू मार भी पई क्योंकि उन्हों का भी ड्रीम यही है कि साडा ब्रदर किसी उच्चे मुकाम पर पहुँचे, तो उन्हों का बड़ा सहयोग है मेरे बड़े ब्रदर जी मेरे मम्मी जी उन्होंने भी मैनू मतलब जो गाना कभी गला थक जाता सीगा तो उन्होंने बदाम बना के देने, तो मेरे डैडी जी उन्होंने मतलब सुन के दसना कि बेटा आह लफ्ज़ गलत है इनू इदा, क्योंकि डैडी जी भी पहला गाने का शौक रखते सी, तो उन्होंने भी बड़ी प्यारी आवाज़ सी, उन्होंने मतलब जोड़े उन्होंने संस्कार दिते है मैंने संगीत लैवल से भी तो दुनिया में विचरण के भी बड़े अच्छे अच्छे दिते है, तो मेरे फैमिली का मेरी का बहुत सहयोग है, तो मेरे गुरु मुरशद तो बाकी स्रोत्या का जोड़े प्यार करते हैं, तो मेरा टीम वर्क जोड़ा मेरे नाल मजिशन है वो सारे उन्हों का भी मैं धन्यवाद करता क्योंकि उन्होंने क्योंकि जिमें एक पंछी अपने परां तो बगैर नहीं उड़ सकता उस तरह एक कलाकार अपने मजिशन जो कि साजे होंगे ने उन्हों तो बगैर कुछ नहीं है। इलाके तो बहर किन्ने प्रोग्राम लाए ने? इलाके तो बाद बहर ची लगभग मैं गिनती तो नहीं है पर प्रोग्राम बहुत कृपा रही है। बल्ली बैंस जो प्रोग्राम के पैसे होंगे ने उपर ओवर भी होंगी है जो लोग पैसे सीढ़ते हैं जी जी, तो पैसे घर दें कि फिर आप रखते हो जी? मतलब जेडे तुसी हुण कहा कि परों जिहड़ी ऑडियंस दिंदे आ पैसे वो मतलब मैं अपने पापा जी की भी सहायता करदा कोई घर च कम कराना होवे जां उन्हां नूं लोड़ पवे तां वो भी तां कुछ मेरी सोच है क्योंकि कहिंदे ने चिड़ी चौंच भर लै गई नदी ना कटियो नीर दान दीए धन ना कटे कह गए संत कबीर, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपने कमाई विचों कोई धार्मिक स्थानों पर कितने भी कुछ दान दक्षिणा जरूर ये भी कढ़ते हैं क्योंकि ये जरूरी होंदा है अपनी दसां नौआं की किरत विचों, तो मतलब जे किसी मेरे वीर नूं हैल्प भी चाहिए होवे आपां उह भी करन नूं तैयार हुंदे आ, तो फैमिली विच जिहड़े बाकी पैसे बचते हैं कुछ डैडी जी नूं मम्मी जी नूं जे लोड़ पवे तां उन्हां नूं ही दिंदा मैं अपने वास्ते सिर्फ खर्चा ही हुंदा एक। बल्ली वैस कॉन्ट्रोवर्सी च विश्वास रखदे ने? नहीं नहीं कॉन्ट्रोवर्सी आपां नहीं रखते जी विश्वास, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी है जी तो एक फेम लैण वास्ते है, क्योंकि एक लोगों के दिलों में वसना और एक वायरल होना ये बहुत अलग अलग चीज़ा ने, वायरल हो के बंदा अलोप हो जाता है पर जे लोगों के दिलों में वस जाए तो कभी निकल नहीं सकता। सो बहुत खूबसूरत गल कही है कि वायरल होना तो लोगों के दिलों में वसना ये दोनों च बहुत फर्क है, इस चीज़ लिए बहुत घालना घालनी पैंती है तो मेहनत लगती है। बल्ली बैंस साड़ी भी दुआवां ने दर्शकों भी तुहाडी दर्शक भी तुहाडे लई दुआवां करनगे कि तुसीं हिट होवो और पंजाबी संगीत दे विच पंजाबी खेतर दे विच भाषा नूं लैके मां सभ्याचार मां बोली दी तुसीं सेवा करो। सो जांदे जांदे अपने दोस्तां नूं की कहना चाहुंदे हो पी पी वर्ल्ड मीडिया उत्ते? सारे नूं यही कहना चाहुंदा कि बस अपना आशीर्वाद देना जी सारे ने वड्डियां छोटियां ने, तो अपना हाथ जिहड़ा मेरे सिर ते रखना तां जो मेरे आउण वाले ट्रैक जिहड़े उन्हां नूं वध चढ़ के प्यार देना है, तो क्योंकि तुहाडा प्यार मैनू उस मंजिल ते लैके जा सकदा मेरे लिए तुसीं रब हो जी तुसीं मैनू चमका दिता है, तो मैं बहुत बहुत धन्नवाद दी हां जी पी वी वर्ल्ड मीडिया जिन्होंने मेरी छोटी जी आवाज़ नूं तुहाडे तक बहुत वड्डी करके पहुँचाया है, शुक्रिया जी। सो बल्ली बैंस ना यह मुलाकात थानू कहो जी लगी वीडियो दे इनबॉक्स कमेंट में जरूर दसना, इस वीडियो नू वायरल भी करना शेयर भी करना ताकि दूसरे उन्हां लोकां तक भी ये साड़ी आवाज़ पहुँच सके जिथों तक बल्ली बैंस दे जिहड़े स्रोते बैठे ने। सो जद तक असी को इहो जिहा नवा मेहनती फनकार कोई सुरीला सफ़र तुहाडे तक लैके पहुँचदे आ तद तक लई तुसीं अपना ते अपने का ख्याल रखना। प्रदीप बैंस पी बी वर्ल्ड मीडिया तो कैमरा परसन बलजिंदर सिंह हुणां दे नाल।